प्रकाशिना और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया कि लॉकडाउन के टाइम पे काफी लोगों का वेट गेन हुआ है, तो आज उसके लिए आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताया जाए जो कि होम यानी कि अपने अपने घर में आराम से कर सके आप लोग। तो इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो होममेड एक्सरसाइज जो कि आप घर में आराम से कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका जो वेट गेन हुआ है वो आराम से कम हो सके। तो आइए आज हम लोग वही कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपके फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, स्टैमिना के लिए बहुत जरूरी है। और आज जो मेरा साथ देंगे उनका नाम है तपसी देव जो कि 45 इयर्स की है। चलिए आइए आज हम लोग मिलकर कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो पहले हम लोग घर में एक अच्छा सा जगह लेके स्टार्ट करते हैं थोड़ा नॉर्मल से वार्म अप के साथ। ये जो स्टार्टिंग है यहाँ पे कम से कम 5-10 मिनट करना है ताकि आपका बॉडी का अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेज उसमें आएंगे। स्लोली हमें ये करना है और इसमें हमें गौर करना है कि नी बैंड ना हो, जैसे कि कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहिए। इसमें कोशिश करना है कि नी बैंड ना हो। एक मिनट ये करने के बाद और जो भी एक्सरसाइज करेंगे कोशिश कीजिएगा 2 या 3 सेट करने का। इसके बाद हमें ये करना है। ये आपके साइड मसल्स यानी कि आप करते चले कंटिन्यू। ये आपके साइड मसल्स यानी कि लंब हैंडल्स जिसको हम लोग बोलते हैं उसके लिए भी काफी इफेक्टिव है। तो ये कंटिन्यू करना है आपको। शुरुआत के जो 10-15 मिनट हमारे वार्म अप के लिए है उसमें ही ये सारे आएंगे। अच्छा अब हम लोग आते हैं हमारे जो मेन एक्सरसाइजेस है जो आपके एब्स के लिए, पेट के लिए, मोटापे के लिए, कम करने के लिए। तो हम लोग उसमें आते हैं। सबसे पहले हमें कुछ कुछ एक्सरसाइजेस है जो वर्क कर रहे हैं। आपको क्या करना है, 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। जंप और इसको करने का तरीका एक और भी है। अगर किसी का फिटनेस बहुत अच्छा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ दोनों लेग उठा के भी कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसा। तो डिपेंड करता है कि हम लोग इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और इसको 10-10 के सेट में 3 बार कर सकते हैं या 15-15 के सेट में 2 बार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगेन। पहले हमें कोशिश करना है कि 5 या 10 ये करना है। 1, 10 ये हो जाएगा। इसके बाद हमें कोशिश करना है कि अगर किसी का वेट ज्यादा है तो हमें सिर्फ ये करना है, समझिएगा लेग पीछे नहीं उठेगा, इसमें हमें ध्यान देना है। तो अभी वापस सामने की तरफ चलिए एक साथ करते वापस से एक टाइम 3, 5, 6, 7 बोलो। हाँ तो देखा आपने ये एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करना है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ आपके लिए। सेकेंड एब्स के लिए अगर पेट के लिए करने हैं तो बहुत तरीके के एक्सरसाइज है, प्लैंक होता है। पहले हम कुछ प्लैंक करते हैं, 3 सेट कर रहे हैं हमें एटलीस्ट 30 सेकेंड। आप शुरुआत में सिर्फ 1 मिनट करते हैं अगर बहुत है उसको 40 सेकेंड 50 सेकेंड आस्ते आस्ते 1 मिनट तक एक बार में पहुंचते हैं। प्लैंक करने के लिए जो सिंपल सिस्टम है ऐसे रखिए और हाथ में पावर आने के लिए ऐसा कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा पर कमर ऐसा ना है स्ट्रेट में एंड लो पावर। शांति से कॉन्सेंट्रेट करके आपको ये करना है सामने देखते हुए और कोशिश करना है कि 30 सेकेंड आराम से आप पार करें। फिर आपको उठना है 30 सेकेंड वापस लेफ्ट लेना है, वापस 30 सेकेंड लेफ्ट लेने के बाद से सेकेंड का वापस कर लेंगे। जब तक आपका पेट हाथ लेग शिवर ना करे तो आप नहीं करेंगे, तब तक आप कोशिश कीजिए इसको लंबा टाइम करने का। होने के बाद हमने 2 सेट किया आपको बताने के लिए, आपको 2 और 6 सेट करना है। इसके बाद
आप इसको जीरो परफॉर्म करेंगे फिर इसको फास्ट परफॉर्म करेंगे 10 10 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आपने समझा इससे क्या होता है हमारे जो मसल्स है एब्स में बहुत ज्यादा असर पड़ता है ये दूसरा तीन एक्सरसाइज हमने किया फर्स्ट ये इसके साथ हम लोग को सिटअप्स करना है सिटअप्स के लिए सुबह सिटअप्स भी बहुत तरीके से हो सकता है सबसे पहला जो कि नेचुरल है सबको पता है इसमें लेग जॉइंट नी उठना नहीं चाहिए स्ट्रेट आना है वापस ये आप अपने हिसाब से कोशिश कर सकते हैं जितनी बार कर सकते हैं 10 15 20 या 25 का एक एक सेट ये होने के बाद ये सिद्धार्थ होने के बाद हमें क्या करना है इसके और भी बहुत सारे तरीके हाफ हाफ जिसको करने भी बोलते हैं वन टू इसमें हाथ यही रहेगा ये आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं इसके अलावा आपको ऐसा सोना है और सिर्फ ये करना है जिसमें आपका हेड एंड अपर बॉडी थोड़ा हवा ले रहे जिससे आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है तो आपको हर एक एक्सरसाइज के बाद 30 सेकेंड रेस्ट करने का मौका मिलेगा रेस्ट भी आप यहाँ बैठ सकते हैं या फिर वॉक कर सकते हैं इसके बाद पुशअप्स के पोजीशन में आएंगे हम लोग पुशअप्स के पोजीशन में आके या तो आप रन कर सकते हैं ऐसा मैं साइड से भी दिखा देता हूं आपको ऐसा करना है और इसका दूसरा तरीका यह है स्लो वाइज कि हम ऐसे रहेंगे और एक पैर यहां एक पैर यहां एक पैर यहां एक पैर यहां इसका और एक तरीका है जब आप एक लेवल ऊपर जाएंगे तो आप साइड में भी कर सकते हैं साइड में करने का मतलब है आपका राइट लेग आपके लेफ्ट हैंड को टच करें पहले एक फिर आप रनिंग कर सकते हैं रनिंग करने के लिए आपको पीछे आना है आप इतना डिस्टेंस बना लीजिएगा कि ऐसा जाना है और एक बोतल यहां फिर ऐसा जाना है यहां टच करना है ये आप शुरुआत में भी कर सकते हैं जो भी आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है वार्म अप के लिए उस वक्त भी आप ये कर सकते हैं तो जैसे हमने स्टार्ट किया ये 32 राउंड के लिए मैंने एक्सरसाइज बताया जो आपको करने का है जैसे हमने स्टार्ट किया वैसे फिनिश भी कर जस्ट लाइक रिलैक्स आज के लिए इतना ही पहले इतना करके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया या चाहते हैं करना बट नहीं कर पा रहे हेजिटेट कर रहे ऐसे बुजुर्गों के लिए जो कि घर में बैठे हैं हेल्थ पर रहे कोई भी लेडीज हो बच्चे हो उन लोगों के लिए आस्ते आस्ते हम लोग इसका आगे का पार्ट भी बताएंगे सो थैंक यू ऑल द बेस्ट देखते रहिए हमारे चैनल को एंड हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू